अस्सलाम वालेकुम जी अदनान गारमेंट्स होल सेलर की जानिब से आप लोगों की ज़ोर फरमाइश के ऊपर के बहुत ज़्यादा सवाल भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब देना बुरा तो नहीं लगता लेकिन टाइम टेकिंग होता है और अक्सर आप लोग को हो जाते हैं जब आपको लेट रिप्लाई मिलता है तो अच्छा अगर आपने ये प्रोडक्ट ख़रीदने का सोचा ही है तो फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता चलूँ इसके ऊपर जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है वो कतान सिल्क है इसका बाजू जो है ये और का और ये वाला पैच जो है और के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये पैच जो है और के इस्तेमाल हुए हैं ठीक है और अगर हम बात करें इसके चेस्ट साइज़ की तो इसकी जो बस लाइन है एक साइड से दूसरी साइड तक वो ट्वेंटी टू है अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ बिल्कुल शोल्डर से लेकर नीचे तक अभी शायद आपको इतना अंदाज़ा ना हो रहा हो लेकिन इसके ऊपर से नीचे तक लेंथ जो है वो फिफ्टी इंचेस है ठीक है इसका जो घेरा है घेरे से मुराद ये कि वन साइड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाने की जो लेंथ है वो 75 है और बैग मिलाकर ये 150 हो जाती है ठीक है इसकी ख़ास बात जो सवाल पूछा जाता है अक्सर वो ये कि इसकी जो बैक है वो प्लेन है बैक के ऊपर ये पैच नहीं लगा हुआ अब आते हैं जनाब क्योंकि ये थ्री पीस है और इसके साथ ट्राउज़र भी है ट्राउज़र भी कतान सिल्क का बना हुआ है कतान सिल्क के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं एक चीज़ डिटेल के अंदर बता दूं कि जनाब ये फोर सीजन कपड़ा होता है आप राउंड द ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्राउज़र की जो लेंथ है वो है थर्टी सिक्स और इसकी जो वेड है वो है ट्वेंटी फ़ोर अब आते हैं इसके दोपट्टे की तरफ इसका जो दुबट्टा है ये और गेंजा मटीरियल इस्तेमाल करके बनाया गया है दो मीटर लंबा है और इसके साइड पे लेस इस्तेमाल करके इसको इसके साथ मैचिंग बना दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे इसके अंदर मज़ीद कितने कलर्स अवेलेबल हैं ऑर्डर करने के बाद आप प्राइवेट के अंदर या उससे भी पहले आप प्राइवेट के अंदर ये बात हमसे पूछ सकते हैं आपको तफसीला जवाब दिया जाएगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें